हेलो गाइस, वंस अगेन आपका स्वागत है ब्रॉड गीजा चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज, वो भी कनाडा। अगर आप अपने प्लान कर रहे हो मास्टर्स या बैचलर्स प्रोग्राम कनाडा यूनिवर्सिटीज में, कनाडा जैसी कंट्रीज में, तो आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज भी टारगेट करनी चाहिए जो आपको इजीली अफोर्ड कर सको। उनकी जो मिनिमम टू मिनिमम जो फीस रहेगी, आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज टारगेट करनी चाहिए। वही यूनिवर्सिटीज आज हम इसी वीडियो में बात करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी मींस चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज जो है कनाडा में अपन बात करेंगे। जो सबसे पहली यूनिवर्सिटीज आती है वो आती है न्यूफाउंडलैंड यूनिवर्सिटीज आती है, जो कि मेमोरियल यूनिवर्सिटीज के भी नाम से काफी ज्यादा फेमस है, जिसकी ट्यूशन फीस अराउंड 21,000 पर ईयर आपकी रहेगी फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए। फॉर ग्रेजुएट्स के लिए आपकी रहेगी 7,000 कैनेडियन पर ईयर फॉर मास्टर्स प्रोग्राम्स एंड अंडर ग्रेजुएट फॉर अ बैचलर्स डिग्री। देखते हैं कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स इसके। हाइलाइट्स में बेसिकली 1925 का काफी ज्यादा पुरानी यूनिवर्सिटीज है। एमयून इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द अटलांटिक कनाडा। अटलांटिक कनाडा में काफी ज्यादा नोन ये यूनिवर्सिटीज है और लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं इसको। ऑफर्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोग्राम इन आर्ट्स, एजुकेशन, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, बिजनेस, नर्सिंग एंड साइंस जैसी डिसिप्लिन में, मल्टी डिसिप्लिन प्रोग्राम्स में ऑफर करता है ये। एंड देखते हैं, अट्रैक्ट अ सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बॉडी विद 20% ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, वो भी ऑनली 100 कंट्रीज जैसी में। 100 कंट्रीज से डिफरेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है वो भी 20% से, काफी ज्यादा रेशियो है यूनिवर्सिटीज में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेन टोवा में, जिसकी ट्यूशन फीस अराउंड आपको देखने को मिलेगी 19,000 मीन्स 20,000 के अराउंड आपको यहाँ पे फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स मिल जाएंगे आपको, और 6,500 कैनेडियन पर टर्म्स के ग्रेजुएट्स आपको प्रोग्राम्स यहाँ मिल जाएंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने कैनेडियन पर ईयर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कैनेडियन पर टर्म की बात कर रहा हूँ। मीन्स सेमेस्टर वाइज आपको 6,500 आपको पे करना रहेगा यहाँ पे प्रोग्राम में। कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं वो आपको एक बार यहाँ पे देखने पड़ेंगे, कितनी क्या फीस है। एवरेज ऑन फीस मैंने यहाँ पे बता दी है इतनी है। एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं, 1877 का एस्टेब्लिशमेंट है। वेस्टर्न कैनेडियन फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वेस्टर्न कैनेडा में। ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स अक्रॉस वेरियस स्कूल्स एंड फैकल्टीज। यहाँ पे काफी सारे इस यूनिवर्सिटीज के काफी सारे स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं और नोन फॉर इट्स कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च फोकस एंड डाइवर्स रेंज ऑफ एकेडमिक ऑफरिंग। बेसिकली जो इनका नोन है, बेसिकली वो रिसर्च प्रोग्राम के लिए नोन है ये यूनिवर्सिटीज अपने। देन आते हैं कॉन्कॉर्डियो यूनिवर्सिटीज, जिसकी ट्यूशन फीस अराउंड 28,000 कैनेडियन पर टर्म रहेगी फॉर अंडर ग्रेजुएट्स के लिए एंड 12,000 कैनेडियन पर ईयर रहेगी आपके फॉर मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। ये कुछ फीस है, इसके अलावा भी कुछ फीस जाएंगी, इनके डिपेंड करेगी किस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। एक जहाँ पे मैंने एवरेज फीस लिखी है सारे प्रोग्राम्स को देखकर, उसके बेसिस पे ये जज की ये उसके बेसिस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। देन पब्लिक यूनिवर्सिटी इन मॉन्ट्रियल, प्राइमरली इंग्लिश स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग रीजन्स में ये फाउंड बाय द मर्जर ऑफ लॉयला कॉलेज एंड जॉर्ज विलियम्स यूनिवर्सिटीज थी ये पहले। देन हाउस ऑफ द प्रेस्टीजियस जॉन मॉल्सन स्कूल्स ऑफ बिजनेस के नाम से भी ये काफ़ी ज़्यादा नाम चलता था इस यूनिवर्सिटीज़ का, इस नेम से तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है यूनिवर्सिटीज़ अपने प्रोग्राम रिसर्च फील्ड्स में। ट्यूशन फीस की बात करते हैं एमसी गिल यूनिवर्सिटीज़ की, जिसका नाम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लेते हैं अपने फॉर मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। 14,000 फॉर कैनेडियन पर ईयर यहाँ पे इसकी ट्यूशन फीस रहेगी फॉर अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। दैन जो आपकी 13,500 ट्यूशन फीस रहेगी आपकी कैनेडियन पर ईयर आपकी मास्टर्स प्रोग्राम के लिए रहेगी। ये कुछ फीस है। इस यूनिवर्सिटीज में मल्टीपल्स प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, ऑफर मोर देन 300 प्रोग्राम। जैसे मैंने बोला मल्टीपल्स प्रोग्राम है, 300 प्लस प्रोग्राम्स है, वेरियस फैकल्टीज और स्टडीज करती हैं, सॉरी स्टडीज आपको पढ़ाएंगी इन प्रोग्राम्स के अंदर। डाइवर्स कल्चर्स मिलेगा, डाइवर्स स्टूडेंट पॉपुलेशन से, हाई एडमिशन स्टैंडर्ड नोन, जिस वजह से फेमस है। एंड वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन कैनेडा, एस्टेब्लिशमेंट इन 1821, काफ़ी ज़्यादा पुरानी है एज कम्पेयर टू जितनी भी अभी अपन ने बात की यूनिवर्सिटीज़ के, उनके कंपेरिजन में ये यूनिवर्सिटी एमसीगिल काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है। देन अपने प्रोग्राम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा नोन है यूनिवर्सिटीज़। देन मूव ऑन करते हैं टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, जो
इसका पहले नाम था रोयोशन यूनिवर्सिटी, इसके नाम से पहले जानी जाती थी। देन अराउंड इसका 33,500 कैनेडियन पर ईयर अप्रोक्सीमेटली इसका अंडर ग्रेजुएट्स की फीस है। देन 28,500 अराउंड इसकी पर अंडर ग्रेजुएट्स की फीस है। आपको ये चेक करना है कि आप किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है, आप अपनी रिक्वायरमेंट फिलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये आपको कैसे चेक करेगा, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना पड़ेगा। अगर इसके रिगार्डिंग भी कोई डाउट आता है आपको, तो जस्ट आपको कमेंट करके आपको मुझसे पूछ सकते हो, देन मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा उसमें भी। ओके, देन हाईलाइट में बात करते हैं। लोकेटेड इन डाउन टाउन टोरंटो में लोकेटेड है, नोन फॉर इट्स प्रैक्टिकल करियर फोकस्ड एजुकेशन। मीन्स आपको इस यूनिवर्सिटीज में प्रैक्टिकल ओरिएंटेड प्रोग्राम एंड जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीजें हैं वो आपको काफी ज्यादा फोकस की जाती हैं इसमें। हाउस ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस स्कूल इन कैनेडा, बिजनेस स्कूल्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है, एंड लार्जेस्ट बिजनेस स्कूल्स भी कनाडा में इस यूनिवर्सिटीज का है। द टेड रॉजर्स स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट जिसको बोला जाता है, ऑफर स्पेशलाइज्ड इन आर्ट्स कम्युनिकेशंस एंड डिजाइन, कम्युनिटी सर्विस, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैनी मोर्स प्रोग्राम्स ऑफर करता है। ओके, देन यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक यूनिवर्स, ट्यूशन फीस की बात करते हैं, 19,200 इसका कैनेडियन पर ईयर फॉर अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए ऑफर करता है, इतना फीस चार्ज लेता है। एंड देन 14,500 चार्ज करते हैं अपने फॉर मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। ओके, पर ईयर है, मेंशन है, एक बार आपको वेरीफाई करना है कि पर ईयर जो बेसिकली मैंने मेंशन किया पर ईयर पर टर्म, वो आपको वेरी केयरफुली देखना है आपको वो सही है। आपको जाके उनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक करनी है कि ईयर वाइज कितना डिफरेंस आया है। ओके, ओल्डेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज कैनेडियन यूनिवर्सिटीज में काउंट होती है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1785 में हुआ था। 75 ऑफर्स करती हैं अपने बैचलर्स प्रोग्राम एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम, 30 ग्रेजुएट प्रोग्राम डिफरेंट फील्ड्स में जो ऑफर करते हैं। नोन फॉर इट्स कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स इन अ वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन, सेम अकेडमिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा नोन है। ऐसा नहीं है कि कैनेडा सिर्फ ओनली ऑन प्रैक्टिकल्स या रिसर्च फील्ड्स में वर्क करता है, इसके अलावा उनका जो कल्चरल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी कैनेडा में वो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से स्टूडेंट प्रेफर भी करते हैं अपनी लिस्ट में कैनेडा, क्योंकि PR ईजिली मिल जाता है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्टीज उनको फेस नहीं करनी पड़ती। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, यूनिवर्सिटीज़ उनको काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, बस उनको कुछ चीज़ें जो है देखनी पड़ती हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट उस यूनिवर्सिटीज़ में फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ये आपको कैसे पता पड़ेगा, नीचे एक प्रोफाइल नेसेस का फॉर्म डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, उसको जस्ट फिल कीजिए, हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप उस रिक्वायरमेंट को फिलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं, और सारे आपके डाउट्स भी क्लियर करेगी। देन मूव ऑन करते हैं यूनिवर्सिटीज पे। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, ये भी काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है कैनेडा में, जिसकी फीस 32,000 कैनेडियन पर ईयर है फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, एंड 9,000 कैनेडियन पर ईयर है अपने फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, पर ईयर दोनों के लिए इसमें इतना। एस्टेब्लिशमेंट 1908 का इसका एस्टेब्लिशमेंट है, सिचुएटेड इन एडमोंटन में इसका सिचुएटेड है, लोकेटेड है यूनिवर्सिटी। ऑफर अ वाइड रेंज प्रोग्राम अक्रॉस डाइवर्स फैकल्टीज, सिंपल सा है। नोन फॉर इट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोग्राम में, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है अल्बर्टा यूनिवर्सिटीज़ का, इसी वजह से अपने प्रोग्राम्स के लिए, अपने करिकुलम के लिए काफ़ी ज़्यादा वेल फेमस है कैनेडा में। देन बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, ये यूनिवर्सिटीज़ की फीस है 45,000 कैनेडियन पर ईयर फॉर अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, और 9,000 कैनेडियन पर ईयर फॉर अपने ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए ऑफर करती है। किस किस प्रोग्राम में करती है, काफ़ी सारे प्रोग्राम है, ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स, इज नोन फॉर इट्स प्रेस्टीजियस रेपुटेशंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने, इसकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई है कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी इस यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कि ओनली ऑन 1908 में यूनिवर्सिटीज़ थी वो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। UBC इज़ अ प्रोमिनियंट इंस्टीट्यूट्स इन वैंक्यूवर एंड कैलोवाना, ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं UBC जो कि प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है वैंक्यूवर एंड कैलोवाना में। अट्रैक्ट्स अ लार्ज इंटरनेशनल स्टूडेंट बॉडी विथ 32% स्टूडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, कैन यू इमेजिन 32% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, वो भी डिफरेंट कंट्रीज से। इससे पहले जो यूनिवर्सिटीज थी उसमें 20% था रेशियो, यहाँ पे जो रेशियो है परसेंटेज है स्टूडेंट का इंटरनेशनल स्टूडेंट का वो 30% है, तो काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड में रहती है यूनिवर्सिटीज़ अपने नोन ब्रांड वैल्यू के अकॉर्डिंग, प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ है, इसके साथ साथ अपनी ट्यूशन फीस के अकॉर्डिंग। ओनली ऑन ट्यूशन फीस यहाँ पे है कैनेडा में, बट इसके अलावा स्कॉलरशिप्स भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं कैनेडा में, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो।
और जिसकी वजह से आपकी जो ट्यूशन फीस है वो काफ़ी कम हो जाएगी। कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें आपको कुछ भी आपको पे नहीं करेगा, ऑलमोस्ट आपकी ट्यूशन फीस जीरो, लिविंग कॉस्ट आपका जीरो, मिसलेनियस चार्जेस आपके जीरो रहेंगे, वीज़ा कॉस्ट आपका जीरो हो जाएगा। तो आपके लिए काफ़ी है, उनमें भी आपको अप्लाई करना चाहिए। ऐसी वीडियोज़ जो स्कॉलरशिप्स के रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा स्कॉलरशिप्स के रिगार्डिंग इन डिटेल्स में, जिस पे अपन बात करेंगे। ओके, देन यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा ट्यूशन फीस की रेंज देखे 22,000 पर टर्म फॉर अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, फॉर टर्म लिखा है पर टर्म, 9,800 पर ईयर है फॉर अपने मास्टर प्रोग्राम के लिए। नोन देखते हैं मेडिसिन साइंस सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट साइंस एंड लॉ प्रोग्राम्स में, इस डिसिप्लिन में ये ऑफर करती हैं अपने अंडर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स प्रोग्राम। ऑफर प्रोग्राम्स आर्ट एजुकेशन इंजीनियरिंग एंड हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। 1848 का एस्टैब्लिशमेंट, लार्जेस्ट बायलैंगुअल यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड फाउंडेड इन 1848, काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ है। देन बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जिसकी फीस 60,500 कैनेडियन पर ईयर है अंडर ग्रेजुएट्स कोर्स के लिए, देन 42,000 कैनेडियन पर ईयर है फॉर अपने अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम के लिए। तो ये आपको चेक करना है किस प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग ओंटारियो फाउंडेड इन 1827, काफ़ी ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है इन ओंटारियो, रैंक्ड हाईली इन ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग में काउंट की जाती है। ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम जिसमें सेवरल स्पेशलाइजेशंस आपको ऑफर की जाएंगी, फैकल्टीज एंड डाइवर्स कल्चर्स आपको मिलेगा इस यूनिवर्सिटीज़ में, एज वेल एज अपने एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा नोन है ये यूनिवर्सिटीज़। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जिनको आपको एक बार देखना चाहिए, अपनी लिस्ट में रखना चाहिए अगर आप शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को जिसकी ट्यूशन फीस काफ़ी नॉमिनियल है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से भी हो तो आपको ये यूनिवर्सिटीज़ अगर आप स्कॉलरशिप ग्रैब कर ले तो ईजिली आप इन यूनिवर्सिटीज़ में अफोर्ड कर सकते हो, एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो इन यूनिवर्सिटीज़ में, और कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हो। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जिसपे अपन ने बात की। इसके अलावा भी कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे। कोई भी डाउट है इस वीडियोज़ के रिगार्डिंग, किसी और चीज़ के रिगार्डिंग, जस्ट कमेंट में आप मेंशन करिए, उसके लिए मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, और लगता है मुझे तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियोज़ भी आपके लिए जरूर लेकर आऊँगा। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल ऐसी वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।